हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी की ऑनलाइन क्लास है और एसएसटी में अपन चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है संसाधन, यानी जो भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को रिसोर्स कब कहते हैं, जब हमें उससे कुछ आवश्यक या यूजफुल काम आने वाली चीज़ मिले तो वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। जैसे हमें फूड से एनर्जी मिलती है तो फूड हमारा एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, पेट्रोल और डीजल से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो हमारा रिसोर्स हो गया। ठीक है, ज़मीन से हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है तो वो हमारा क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। तो कोई भी चीज़ जो हमें कोई यूजफुल चीज़ प्रोवाइड करे तो वो हमारा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो रिसोर्सेज के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज जिससे हमें कुछ यूजफुल चीज़ें मिलती हैं। तो आइए अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अम्मा की हेल्प कर रहे थे उनका हाउस साफ करने में। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, सेड मोना। इन चीज़ों को देखो, देखो कपड़े, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, फूड ग्रेन्स यानी खाने का अनाज, कॉम्ब यानी कंगी और हानी की बॉटल, बुक्स, ये सारी चीज़ क्या है, इनका कोई ना कोई यूज़ है, मोना ने कहा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए वो ज़रूरी भी हैं, सेड अम्मा, अम्मा ने कहा। हाँ, इसलिए दीज आर रिसोर्सेज, ये क्या है, रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, अम्मा को राजू ने पूछा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ जो किसी नीड को सेटिस्फाई करने में, हमारी ज़रूरत को पूरा करने में काम आए, वो क्या है हमारे लिए, रिसोर्स है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अपने आसपास देखो और आप बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लेंगे। द वॉटर द यू ड्रिंक वैन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज वैन यू इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, ऑल आर रिसोर्सेज। तो जो भी चीज़ें आप रोजमर्रा में काम लेते हैं वो सारी क्या है, रिसोर्सेज हैं। जो पानी आप पीते हो वो भी आपकी प्यास बुझा रहा है तो आपका रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी आप जो यूज़ कर रहे हो वो भी आपका एक रिसोर्स है। और रिक्शा से अगर आप घर स्कूल जा रहे हो तो वो भी आपका एक क्या है, रिसोर्स है, आपके काम आ रहा है, आपकी नीड को पूरा कर रहा है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स हैज़ यूज आर ऑल्सो रिसोर्स, और तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक टेस्टी स्नैक्स बनाया है तो उसमें जो वेजिटेबल्स काम आई वो भी क्या हो गई, एक तरह का रिसोर्स हो गई। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा और वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक सब में क्या कॉमन है, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू सो दे आर यूटिलिटी, वो आपके द्वारा यूज की गई इसलिए उनको क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स। तो आपने किसी चीज़ को अगर आप काम में ले रहे हो, यानी काम में आने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं, यूटिलिटी। और यूटिलिटी ही किसी चीज़ को, यानी उपयोगिता, यूटिलिटी को हिंदी में बोलेंगे उपयोगिता, तो उपयोगिता ही किसी चीज़ को रिसोर्स बनाती है। कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी है तो वो एक रिसोर्स कहलाएगा और उपयोगी नहीं तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वॉन्टेड टू नो। राजू कहता है कि कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, कोई भी चीज़ रिसोर्स कब होगी, जब उसकी कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई मूल्य होगा। ठीक है, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, और किसी चीज़ की उपयोगिता यानी काम में आ सकना वो उसको वैल्यू, उसको मूल्य प्रदान करता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और सब रिसोर्सेज जो भी हमारे काम आने चीज़ें उनका कोई ना कोई मूल्य, कोई ना कोई वैल्यू है, सेड अम्मा। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स मतलब उसकी कीमत, वर्थ मीन्स कीमत। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, किसी कोई तो पैसे के इकोनॉमिक मतलब अगर अपन पैसे के रूप में देखें तो महंगे होते हैं, यानी उनकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है और कहीं की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बट ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, जैसे कि मेटल्स जो अपन, जिससे अपन चीज़ें बनाते हैं मेटल से बहुत सारी, तो उनकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू वो पैसे से आती है, लेकिन अगर एक सुंदर सीनरी आप देख रहे हो, लैंडस्केप यानी एक सुंदर सा नज़ारा देख रहे हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी नीड, आपके देखने की इच्छा, आपके मन को शांत करता है, तो वो एक रिसोर्स तो हो गया लेकिन वो वैल्यू नहीं है उसकी। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ज़रूरी है, मेटल्स भी इंपॉर्टेंट है और एक ब्यूटीफुल सीनरी मन को शांत करने के लिए भी ज़रूरी है। सम रिसोर्सेज
कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज टाइम टू टाइम महंगे होते जाते हैं इकोनॉमिकली, मतलब पैसे के हिसाब से महंगे होते जाते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड हुए. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नॉट नो कॉमर्शियल वैल्यू टूडे, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फर्म टुमोरो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. ठीक है, तो आपकी ग्रैंड मदर के जितने भी घरेलू नुस्खे अगर वो अपनाती हैं, कोई घरेलू उनके नुस्खे हैं, तो वो आज कोई उनकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर आप उनसे उनको पेटेंट करा दो, मतलब उनको कह दो कि भाई इन चीज़ों को कोई और यूज़ नहीं करेगा, और मेडिकल फर्म में जाके बेचो उन नुस्खों को, तो उनकी कोई ना कोई इकोनॉमिकल वैल्यू, यानी वो कोई ना कोई पैसे से बिकेंगे और उनकी कोई ना कोई इकोनॉमिकल, मतलब आर्थिक वैल्यू हो जाएगी, आर्थिक मूल्य हो जाएगा. ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. समय और आधुनिकता, ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब आधुनिकता, ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में, संसाधन में कन्वर्ट कर सकती है. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों लोगों की ज़रूरत से जुड़ी होती हैं. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. पीपल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे के काम आते हैं और कोई दूसरे लोग हमारे काम आते हैं. जैसे डॉक्टर्स हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया, जितने भी अगर ड्राइवर्स हैं जो हमें यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया. तो पीपल खुद अपने आप में सबसे बड़े रिसोर्स हो गए. क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स हमारी नीड को पूरी कर रहे हैं. एक शॉपकीपर है जो हमें सामान देता है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया. ठीक है, क्योंकि वो हमारी नीड्स को पूरी कर रहा है. इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. और इंसान ही और रिसोर्सेज को बनाता है. तो इंसान हमारे लिए अपने आप में एक रिसोर्स हो गया, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर और बाकी रिसोर्सेज, काम में आने वाली चीज़ें बन नहीं पाएंगी. जैसे अगर अपन मोटरसाइकिल लेते हैं, तो इंसान ने बनाई, तो इंसान हमारे लिए रिसोर्स हो गया, हमारी नीड को पूरी कर रहा है. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. एक इन्वेंशन से बहुत सारे और डिस्कवरीज हो जाती हैं. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, वाइल इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. जैसे कि आग का अगर इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद कुकिंग, आग से कुकिंग का प्रोसेस चालू हो गया. और अगर जब टायर का इन्वेंशन हो गया, व्हील का हो गया, पहिए का, तो उससे फिर गाड़ियों का इन्वेंशन हो गया. तो एक इन्वेंशन से दूसरा इन्वेंशन बढ़ता जाता है. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना दी इंसान. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहते हुए पानी से जब बिजली बनाते हैं अपन, बहते हुए पानी से, तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है, तो हाइड्रो, जब पहले जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनी ही नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था, तब बहता हुआ पानी किसी के लिए कोई काम का नहीं था. लेकिन जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज़ लोगों को पता हो गई कि बहते हुए पानी से भी अपन बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, उसने बहते हुए पानी को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो अब आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैसे होते हैं, तो मेनली रिसोर्स दो तरह के होते हैं. एक तो नेचुरल, यानी जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, ऐसी चीज़ें हमारी काम की चीज़ों में नेचर प्रोवाइड करता है. और दूसरा होता है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल, जो इंसान ने खुद ने बनाए हैं अपनी ज़रूरतों के लिए. जैसे हवा, पानी, सूर्य, ये सारे क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, कोल, पेट्रोलियम. लेकिन अगर मैं बात करूँ गाड़ी की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल, मैन मेड, इंसान ने खुद ने बनाए हैं. चलिए अपन पढ़ते हैं. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉयल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो चीज़ हमें नेचर देता है और हम उसे उसमें बिना कोई ज़्यादा कोई बदलाव किए डायरेक्ट यूज़ कर लें, तो वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है. जैसे हवा जो अपन सांस लेते हैं, वो पानी जो रिवर्स और लेक्स में होता है, जो मिट्टी है, जो मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल्स है, ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर हमें प्रोवाइड करता है. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. कई और रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री है नेचर की तरफ से और अपन डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे हवा यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं. इन सम केसेज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ ए नेचुरल रिसोर्स इन इट्स बेस्ट पॉसिबल वे. कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाते, हमें कुछ टूल्स, कुछ यंत्र इस्तेमाल करने पड़ते हैं उनको निकाल कर काम में लेने के लिए. जैसे जितने भी मिनरल्स हैं तो मिट्टी में मिक्स होते हैं, तो उनको अलग से मशीनों से निकाला जाता है, फिर काम में लिया जाता है. लेकिन है वो अपना क्या, नेचुरल रिसोर्सेज. जितना कोल और पेट्रोलियम है उसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है, और फिर उसको काम में लिया जाता है. लेकिन है वो क्या, नेचुरल रिसोर्स.
नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्स भी दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूं, वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते और बार बार नए नए बनते रहते हैं उसको रीन्यूएबल कहते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। और ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार बन गए लेकिन अब मुश्किल से दोबारा नहीं बन पाएंगे, बार बार नहीं बन सकते, वो क्या हो गए, रीन्यूएबल। जैसे कोल और पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये कभी भी दोबारा बार बार नहीं बनते इजीली। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और रीप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर विंड एनर्जी। तो कुछ रिसोर्सेज जो बार बार नए बनते रहते हैं, जिनका इंसान कितना भी यूज़ कर ले कभी ख़त्म नहीं हो, तो वो रीन्यूएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन फिर भी अगर अपन ने केयरलेसली यूज़ किया तो उनको ख़राब कर सकते हैं, उनकी मात्रा जैसे पानी और सॉइल को ख़राब कर सकते हैं, फॉरेस्ट कम कर सकते हैं। है तो ये अनलिमिटेड रीन्यूएबल बनते रहते हैं, लेकिन अपन ने ज़्यादा लापरवाही बरती तो इनका बैलेंस ख़राब हो सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे। पानी वैसे तो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन मीठे पानी यानी जो नेचुरल वाटर सोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं और खारा पानी बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रीन्यूएबल वो होते हैं जो लिमिटेड नेचर में एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड। तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार खत्म हो गए तो हजारों साल ले लेंगे दोबारा बनने में, उनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रीन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये कुछ नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अब कहाँ कहाँ पे कौन सा रिसोर्स पाया जाएगा वो डिपेंड करता है कि ज़मीन की हाइट कितना है, वहाँ का वातावरण कैसा है, ज़मीन कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज द फैक्टर डिफर सो मच ओवर दैट। तो कहीं पे कोई सा रिसोर्स, कहीं पे पानी ज़्यादा पाया जाएगा, कहीं पे कोल पाया जाएगा, कहीं पे पेट्रोलियम पाया जाएगा, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अगला आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली वैन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कई बार कोई चीज़ तब भी काम में आती है जब उसका नेचुरल रूप, प्राकृतिक रूप बदल दिया गया हो। जैसे आयरन वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो नेचर में जो आयरन की चट्टाने होती है वहाँ पे उस लोहे को अपन काम में नहीं ले सकते, लेकिन जब से लोगों ने उसमें से लोहा अलग से निकाल कर काम में लेने लग गए तब वो लोहा बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गया। जैसे बिल्डिंग्स में काम आता है, लोहे की कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जब नेचुरल रिसोर्सेज को काम में लेकर कुछ हमारे काम की चीज़ें बनाई जाएं, तो बनी हुई चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। जैसे बिल्डिंग्स हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, रहने में काम आती है, ब्रिज है, गाड़ी ऊपर ले जाने में काम आता है, रोड्स हैं, मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाए किससे जाते हैं, कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। आधुनिकता भी हमारी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो द पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू। तो हमारे जैसे लोग हम जैसे लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं और काम में लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। ठीक है, और अगली क्लास में अपन चैप्टर का आधा पार्ट बच्चे पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। वीडियो को एक दो तीन बार देखो तो आराम से पूरा चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। और आपका होमवर्क है कि आपको आगे का चैप्टर पढ़ के रखना है, ठीक है, ताकि अपन जब अगली क्लास में पढ़ें तो आपको अच्छे से पहले से समझ में आए, और यहाँ तक के एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करके रखने हैं, मार्क करके रखने हैं। तो आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।